ये अदावत लॉरेंस की सलमान से पुरानी है, क्योंकि भाई के रडार पर भाईजान है। 6 देशों में नेटवर्क, 11 राज्यों में आतंक, 700 से ज्यादा शूटर्स, व्हाट्सएप पे सुपारी लेता है, जेल से मर्डर करवाता है, लेकिन खबर ये नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। खबर ये है कि सलमान खान दुबई जाएंगे, ये अब पक्का हो गया है, लेकिन क्या सलमान लॉरेंस गैंग के खौफ से दुबई जा रहे हैं? पूरी कहानी तफसील से बताएंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही जान की धमकियों के बीच सलमान खान बिग बॉस 18 की शूटिंग में बिजी हैं। वो जल्द ही इंटरनेशनल शो दबंग रिलोडेड के लिए दुबई रवाना होंगे। उनके साथ और कई जानी मानी हस्तियां नजर आएंगी। दबंग रिलोडेड को जॉर्डी पटेल ने आयोजित किया है। कहा जा रहा है कि सलमान खान ने अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग भी कर ली है, इसमें वो चुलबुल पांडे के रोल में नजर आएंगे। दुबई को कई सितारे सेफ प्लेस महसूस करते हैं, शायद इसीलिए सलमान को दुबई जाने से कोई परहेज नहीं है। हाल ही में सलमान खान को एक मैसेज में धमकी दी गई थी, जिससे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। बाद में हालांकि पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा था। हम सबको पता है कि धमकियों के कारण सलमान खान को वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। उधर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ NIA ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उस पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। वो किस देश में है इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। कोई कहता है वो कनाडा है तो कोई कहता है वो US में है। पिछले कुछ समय से पहले भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में खटास आई है। कनाडा से वापस बुलाए गए भारत के दूत संजय वर्मा ने हाल में ही एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के नाम कनाडा के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब गोल्डी बराड का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसे कनाडा ने क्यों किया, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल एक तरफ सलमान का विदेशी दौरा तो दूसरी तरफ गैंगस्टर की धमकी। इन सब के बीच बाबा सिद्दीकी केस की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ और लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। 11 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। मास्टरमाइंड अभी तक फरार है, लेकिन इस बीच सलमान की सुरक्षा सरकार के लिए एक चुनौती का विषय जरूर बना हुआ है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।